नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामलन लोधी और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए वीडियो में। आज हम आए हैं कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय इंदौर। इस वीडियो के अंदर इंदौर का पूरा जू दिखाएंगे, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए वीडियो को आप स्किप करके भी देख सकते हैं, लेकिन अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे भी देखते रहें। मेरा जन्म है अपनी अलग अलग प्रकार की हमें दिखाई पड़ती है, और आई कैन ट्राई किसी में कैसे बच्चे जैसे लग रहा है, इसमें देखो दिखाई देता है। भगवान की प्रजाति कितना बड़ा गिरगिट, क्या हैं ये इतने बड़े बड़े गिद्ध टाइप के जो भी हों, और पीछे भी हैं बहुत सारे, वो अभी दिखाने वाले हैं हम आपको। ईमू इसमें है, ईमू वो पीछे घूम रहे हैं, इतने बड़े बड़े जानवर देखने में सही से नहीं दिखते, लेकिन यहाँ से हैं छोटे छोटे से ये मस्कट लबड़ जो जूम करके दिखाते हैं। ऐसे हम लोग चलते हैं इस स्नेक पार्क के अंदर, इसका 5 रुपये का टिकट अलग से लगता है, वो वहाँ से ले रहे हैं, फिर वो लेकर आएंगे तो हम लोग चलेंगे इसके अंदर स्नेक पार्क के। खर्च करके हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर देखने के लिए, आप देखते हैं बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, देख लो इतना बड़ा है, अलग से चिड़ियाघर के अंदर सांपों का, तो चल के दिखाते हैं आपको सांप अलग अलग प्रजाति के। घर सांप बैठा है ऊपर लकड़ी के, और शीशे से पूरा कवर्ड है। आगे चलते हैं और देखते हैं अब क्या दिखता है हमको। ये है एक वाइट सा कैसा अजीब है ये भाई, हाँ आधा वो अंदर घुसा है आधा बाहर। एक छोटा सा कॉमन सेंट बुआ, और इसके अंदर है रेड सेंट बुआ जी, दो मुंह वाला, दो मुंह का सांप, दो मुंह रहते जिसके वो सांप है, दो मुंह। इंदौर के चिड़ियाघर का नजारा, दो तीन है और दो मुंह वाले वो तीन है। ये है रसेल भाई पर बैठे दो, एक ये बैठा और पीछे हैं दो रसेल भाई पर सांप हैं। के अंदर हैं काले वाले कोबरा, जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जहरीले सांपों की प्रजाति है वो, ये है कोबरा, सबसे ज़्यादा जहरीला रहता है, पूरे इकट्ठे लिपटे हैं ऊपर अच्छे से। इसके अंदर है चरकेट के डेडू सांप, जो नागिन टाइप के हैं, वो एक ही बैठा है। रेड स्नेक धामन, तीन चार हैं ये धामन जो लेटे हैं वहाँ पे, कुछ बहुत सारे उसमें लेटे हैं। ये है जालीदार पायथन, बच्चा है पायथन का बच्चा है, बच्चा है। ये जंगली मुर्गा जो जंगलों में आवारा फिरते रहते हैं, और इनको कोई पकड़ नहीं खाता है, लेकिन चिड़ियाघर वालों ने पकड़ के अंदर डाल दिया। जंगली मुर्गा देख लो ऐसा रहता है, जंगली चिकन। इसके अंदर हैं घड़ियाल, वो लेटे हैं सारे आलसी पड़े हैं। ये हैं बड़े जीप, अब जो यहाँ से स्टार्ट होंगे बड़े बड़े, अभी हमने पक्षी देखे, अब बड़े जीप दिखेंगे यहाँ पर। इसके अंदर हैं बहुत सारे वाइट वाले मोर, जो वो वहाँ घूम रहे हैं, इसमें जाली लगी हुई है इसलिए वीडियो को क्लियर नहीं बना पा रहा, और सोचता भी हूँ क्लियर बनाने की। एक वो बैठा है वैसा मोर, जैसे गांव पर रहे हमारे से हमारे खिड़ी में वैसे ही यहाँ। और ये हैं वाइट वाले मोर, वहाँ सुंदर लगते हैं ये डांस करते हुए।
अंदर है चीतल बेचारों की चमड़ी उधर गई, रोम झड़ गया यार, जू में हालत खराब है बेचारे जानवरों। वहाँ पे देखो कितने सारे चीतल हैं, ये हैं डियर चीतल, ये हैं मगर मगरमच्छ, वो बैठे हैं घड़ियाल जैसे ही मगरमच्छ होते हैं से हम कुछ, वो देखो वो लेटा है मगरमच्छ धूप में, उसके अंदर पानी रहता है, एक ये मुंह ऐसा खोल के पड़ा है कि कोई इसकी दांतों का मांस निकाल दे। इधर है काली वाली बदक और व्हाइट वाली भी है, वो वहाँ पर कुछ कर रही है और मजे में है, बढ़िया फब्बारा लगा है, जल रहे हैं उसके, तो अलग कलर की है। ये है एक बदक जो कुछ खाना पीना खा रही है अपना, ये पानी में बढ़िया ऐश कर रही है, और एक और है उसके नीचे पानी में लेटी है वो, आहा मजे मजे। इसमें लेटे हैं दरियाई घोड़े जो धूप है और क्या कहते बढ़िया मजे हैं उनके, तो सो रहे है वो वहाँ पे पानी के अंदर, हिल डुल भी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो आराम से लेटे हैं, और थोड़ा वहाँ से क्लियर दिखता लेकिन यहाँ से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन वो बढ़िया है, ठीक है हाथी जैसे। के अंदर हैं बैंडी जस्टाज, बड़े हैं लेकिन कैमरे में थोड़ा धूप भी है और सही से कुछ भी नहीं दिख रहा, एक ये बैठा, बहुत सारे हैं वो तो चारों तरफ बैठे हैं, कुछ कैमरे में दिख भी जाएंगे। इसमें ऊपर नीचे सब जगह बैठे, और चलो आगे देखते हैं क्या क्या है, शेर हैं बाघ भी हैं, उन चीज़ों को देख कर ही जाना वरना आप यहाँ से भाग जाओ आधी वीडियो देख के। है क्या है ये कृष्णा मृग हिरण है, कृष्णा मृग हिरण है ये, वो पीछे बहुत सारी जगह में ये नहीं है, इनका डेरा बसेरा है। ये है बंदर, शैतान वाले बंदर जो घर पे हमारे देखने को मिल जाएंगे आसानी से, कुछ बैठे हैं कुछ लेटे हैं कुछ खा रहे हैं, अपने मजे में हैं सब, आप भी मजे में रहो और वीडियो को एंड तक देखते रहो। चलिए आगे चलते हैं, से लाइन से पूरे में पिंजरे बने हुए हैं चारों तरफ, अभी हमने वहाँ बहुत दूर से घूम लिए और यहाँ से हम लौटते टाइम पर आएंगे वापस, यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह निकलवानी हो तो निकलवा सकते हो, और यहाँ पर भी पिंजरे हैं लेकिन जानवर नहीं दिख रहा है, अभी शायद छुट्टी पर हैं, और ये थोड़ा पार्क वगैरह बन रहा है जो भी हो नया, और अभी हम वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर मिलेंगे हमें टाइगर शेर और वगैरह वगैरह, जाके देखते हैं क्या क्या है। ये थोड़ा सा गार्डन है छोटा, यहाँ से आप वहाँ भाई समझ लीजिए, कोई घोड़े टाइप के जानवर, मुझे नहीं पता क्या है ना, यहाँ पर लिखा है सो मैं बता सकूँ, और ये दौड़ते फिर रहे बढ़िया, खेलते कूदते, देखने में बहुत चीज़ें हैं यहाँ पर, आप आके देख सकते हैं, और बहुत ही अच्छा लगता है ज़्यादा भीड़ ना हो तो, क्योंकि भीड़ में फिर मज़ा नहीं आता, अभी भीड़ नहीं है इसलिए नज़ारा काफ़ी अच्छा है, थोड़े बहुत लोग हैं जो घूमते फिर रहे हैं चारों तरफ, और बढ़िया है सब। गाइस ये है जू के अंदर नाला, और बिल्कुल ऐसा नज़ारा है जंगल जैसा, काफ़ी शांति है यहाँ पर, शोर शराबा ज़्यादा नहीं है, और बढ़िया यहाँ से आगे हैं टाइगर, और ये है पीछा, पीछा मतलब पीछे पूरा उसका जू का, जहाँ से गेट से एंटर करते हैं उसका आखिरी छोर यही है, इसके बाद हम मुड़क के फिर से जाने वाले हैं दूसरे रास्ते से, जहाँ पर काफ़ी सारी बिल्लियों की प्रजातियों में हमारा स्वागत है ये लिखा है उस पर, और यहाँ पर थोड़ा अलग ही नज़ारा है, सिक्योरिटी वगैरह भी है, यहाँ से आपको बाघ देख सकते हैं आप, वो लेटा है बाघ वहाँ पर, बेचारा दुबला हो गया, वो दिख रहा है सही से नहीं दिख रहा कैमरे में, लेकिन वैसे ही अच्छा लगता है, ये पेड़ पर भी जाके आप बैठ सकते हो और मज़े कर सकते हो, मज़ा है पूरा। सामने सो रहे हैं ये तीन बब्बर शेर, डले हैं बढ़िया आलसी आदमी बने, और ये बब्बर शेर हो गए, बाघ भी देख लिए, अब हमने सब कुछ देख लिया, एलिफेंट नहीं देखा, अब देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं, और यहाँ का नज़ारा ऐसा है बब्बर शेर के पीछे, और
ये पेड़ भी पत्ते पतझड़ हुए हैं इनमें। सामने कुछ रेस्टोरेंट वगैरह चलते हैं वहाँ पर। अभी यहाँ से ऊपर से देखेंगे ये तेंदुआ, इसका बहुत बड़ा पिंजरा है, चार पांच हैं। कुछ अभी लेटे हैं यहाँ साइड की तरफ जो विजिबल नहीं है। और ये पेड़ भी लगे हैं कुछ अजीब प्रकार के इसमें, जो उनके लिए सूटेबल होंगे। इस तरफ का ऐसा नज़ारा है बढ़िया। यहाँ थोड़ा ठंडक है, हाथ ही खतरनाक है, पत्थर फेंकता है। सतर्क रहें लिखा है बोर्ड पे। ये हाथी का घर है, क्या पता क्या कर रहा है। बेचारे हाथी को तो बड़ा घर दे। भालू है सामने, कुछ का मालूम क्या कर रहा है। ऐसा रहता है भालू, देख लो। आजा 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 भालू। ए भालू, भालू इधर आ। भालू, ओ भालू बड़ा चालू। चलो करते हैं वीडियो को एंड। ये अभी कुछ भी नहीं है दिखाने के लिए, ये झरना। और इस तरफ से हम गए थे वो है, और यहाँ पीछे पार्क है जिसमें बच्चे खेल सकते हैं। और बस हाथी वगैरह सब चीज़ें दिखा दी यहाँ पर, आप सेल्फी ले सकते हैं। बहुत से लोग ले रहे हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।